नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट ने 9 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई है। लफ्जियात के चर्चित मामले में आरोपी रकीब उल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली और मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को सीबीआई की विशेष अदालत ने अलग अलग सजा सुनाई है। कोर्ट ने रकीब उल उर्फ रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास, मुश्ताक अहमद को 15 साल और कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं इसके साथ सभी को 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, झारखंड में साल 2014 में यह मामला सुर्खियों में बना हुआ था। पहले झारखंड पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2015 में इस मामले को सीबीआई के टेक ओवर कर लिया गया था। 2017 में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत में तारा शाहदेव के मामले में तीनों आरोपी को 30 सितंबर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। लफ्जियात के इस फैसले का क्या पड़ेगा असर जो निकल कर आया है हाईकोर्ट से, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कौशल रानी को 10 साल का सजा दिया गया है और मुश्ताक अहमद हैं उनको 15 साल का सजा है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो सुना आपने लफ्जियात पर दिए गए हाईकोर्ट के इस फैसले को। अब जिसने भी झारखंड में लफ्जियात किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में आरोपी रकीब उल उर्फ रंजीत कोहली को सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही तारा जिसके साथ लफ्जियात के बाद जाती हुई, जिससे मोहब्बत हुई, उसने खुद को रंजीत बताया और जब फिर शादी हुई तो वो ही रंजीत रकीब उल निकला। पीड़ित शूटर तारा ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त इस खुलासे के बाद समूचे झारखंड में सियासी सवाल भी उठे थे, क्योंकि तारा के इल्जाम थे कि उसे पति रंजीत कोहली उर्फ रकीब उल ने उस पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। तारा का कहना था कि उसके पति ने खुद को हिंदू बताकर उसे धोखा दिया और शादी की, बाद में उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाने लगा और ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था। शहदेव के मुताबिक कई कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में इस केस को टेक ओवर किया था। पहले सीबीआई को गवाही पूरी कर ली गई थी, इसके बाद अदालत ने आरोपी का बयान दर्ज किया था। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष ने अपने बचाव को ओर से 25 फरवरी से गवाही दी थी, जिसमें सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया था और अब जाकर जुल्मों की जाती का हिसाब किताब पूरा हुआ। दोषी को उनके जुल्मों की सजा मिली। जैसे वो हमेशा साथ थे, वो मेरे साथ खड़े हैं, आज 9 साल से खड़े हैं और बस उनका आशीर्वाद था कि जो हम लड़ाई लड़े हैं उसमें हम जरूर जीतेंगे। और देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है कि जिन बेटियों के साथ गलत हो रहा है उन सबको एक हिम्मत मिले कि जरूर न्याय मिलेगा। इस देश में न्यायपालिका ने आज ये साबित कर दिया कि जिसके साथ अन्याय होता है उसको न्याय जरूर दिया जाता है। 376(2)(n) में सजा दिया गया है, जिसमें के रंजीत सिंह कोहली को लाइफ इंप्रिजनमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी, ठीक है, और कौशल रानी को 10 साल का सजा दिया गया है और मुश्ताक अहमद हैं उनको 15 साल का सजा है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है और बाकी जो भी ऑफेंसेस हैं वो सेट ऑफ होकर के ख़त्म हो गया, उसमें बहुत बड़ा इशू है नहीं। इस जजमेंट के खिलाफ हम लोग अपील प्रिफर करेंगे बिफोर दी हाई कोर्ट और हम लोग की तैयारी चल रही है एंड मोस्ट लाइकली विल गेट दैट जस्टिस बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब सवाल इस बात का उठता है कि शूटर तारा शाहदेव के सुनाए गए इस फैसले के बाद क्या लफ्जियात पर लगाम लगेगी। सवाल ये भी, ये तो सिर्फ एक तारा है, ना जाने झारखंड में कितनी तारा हैं जो लफ्जियात का शिकार हैं और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। खैर, अब देखना होगा झारखंड हाई कोर्ट का ये फैसला लफ्जियात पर क्या नजीर पेश करता है, क्योंकि ये फैसला उनके लिए एक नजीर है जो कहते हैं कि लफ्जियात होता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए लफ्जियात के इस फैसले के बाद ये देखना होगा कि झारखंड पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि आए दिन ये सुनने में आता है कि झारखंड में लफ्जियात के केस आ रहे हैं, कई महिलाओं के साथ
बेईमानी की जाती है, जाती की जाती है, ऐसे केस लगातार बढ़ते जाते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक बड़ाइक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी भी हैं। फिरोज खान हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए स्वागत। सबसे पहले फिरोज जी, मेरी आवाज सर आपको आ रही है? फिरोज जी, जो फैसला सुनाया गया है शूटर तारा को लेकर, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धर्म बदलकर शादी की गई थी, उसके साथ जाति की जा रही थी, ये बताइए कि इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, बिल्कुल सही फैसला आया है। किसी को भी अधिकार नहीं है अपना नाम को छुपा करके लव करने का, मोहब्बत करने का, प्यार करने का। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम्हारे अंदर बहादुरी है, तुम मर्द हो तो बोलो हम है खान है चाहे सिख है चाहे ईसाई है, अपना नाम बताओ, उसके बाद मोहब्बत करने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप किसी को झूठ बोलकर कहा मैं फिरोज खान हूँ, मैं बोलूंगा राजेश सिंह के नाम पर मैं अपना नाम रखकर किसी लड़की को साथ फ्लर्ट करूँ, उसको परेशान करूँ, उसके साथ उसका अपमान करूँ और शादी कर लूँ झूठ बोल करके, ये बिल्कुल सही है झूठ बोलकर शादी। लेकिन सर आपकी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपकी सरकार अलायंस में है, वहां पर ये देखा जाता है कि लफ्ज जिहाद के लगातार केस आते हैं, सरकार का ढीला रवैया, सरकार का ढीला रवैया कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों खड़े करता है। पता ही नहीं होगा ये जो मामला है, सुनील जी आपको नहीं पता ये मामला, झारखंड में बीजेपी की हुकूमत था, सरकार सबका है। अरे सर सरकार किसी को, मैं ये नहीं कह रहा, एक सेकंड सर, एक सेकंड फिरोज जी, ये मत बताइए कि सरकार किसकी थी। सवाल इस बात का है कि सत्ता में भी आप काबिज हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैं तारा चलो एक नजीर बन सकता है, मैं और भी महिलाएं हैं और भी लड़कियां हैं सर। नहीं मेरी बात सुनिए, हाँ हमारी सरकार है तब ना सजा हुई है इनको, गवाह गुजारा गया है। अरे सर आपकी सरकार हाई कोर्ट ने सजा दी है ना, आप इसका अपना क्रेडिट मत लीजिए सर, आप क्रेडिट मत लीजिए सर, प्लीज फिरोज जी, फिरोज जी प्लीज 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 सर, इस पर आपने आप नहीं नहीं चार साल हो गए हमारे सरकार। अरे सर कितनी और लफ्ज जिहाद के केसेस होते हैं सर, उस पर काम कीजिए, उस पर काम कीजिए फिरोज जी, हवा हवाई बातें नहीं। अशोक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुनिए सुनील जी मेरी बात सुनिए, कोई भी मुसलमान कोई भी हिंदू अगर झूठ बोलकर शादी करता है, हम मुसलमान हिंदू बनकर शादी करेंगे तो कहने से नहीं सर, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, कहने से नहीं चलेगा। अशोक जी मेरी आवाज मिली, मैं आपके पास आता हूँ फिरोज जी आपके पास आता हूँ। अशोक जी मेरी आवाज मिल रही है? जी, अशोक जी, फिरोज जी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी सरकार के टाइम पे नतीजा आया है तो क्रेडिट लेते हुए खुद दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम तो अपने मेरे साथी फिरोज जी बताना चाहता हूँ कि सरकार को कोर्ट से मतलब, कोर्ट एक स्वतंत्र है, कोई सरकार के किसी सरकार रहने नहीं रहने से कोर्ट का बदलता, तो फिरोज जी को थोड़ा सा उनकी बातों को संशोधन कर दूं। दूसरी बात, जो ये देश का पहला ऐसा घटनाक्रम है, कोर्ट ने भी माना है कि लव जिहाद जैसी घटनाएं इस देश में हो रही है, खास करके छात्र जो आसपास बहुल राज्य, उसने हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैठ के एक राजनीतिक मंच के माध्यम से, सामाजिक मंच के माध्यम से जब हम लोग बातें करते हैं कि राज्य में और देश में लव जिहाद जैसे जैसे कुकर्म देश में चल जा रहा, धीरे 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 जो बहुसंख्यक जो बहने हैं, बहुसंख्यक समाज से जो बहने आती हैं और झारखंड में खास करके आदिवासी बहने, उसको एक साजिश के तहत भोले भाले सीट के साथ लड़कियों को, कौन करता है ये साजिश, कौन करता है ये साजिश? फिरोजी बताएंगे, ये फिरोजी बताएंगे, कांग्रेस के लोग बताएंगे। जब हम लोग बात करते हैं कि देश में लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण, बहुसंख्यक समाज का धर्मांतरण किया जा रहा है, लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों का प्रलोभन देकर शादी किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, उसको देह व्यापार में ढकेला जा रहा है, विदेशों में उसको ले जाकर उनको देह व्यापार कराया जा रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय न्यायालय को कि जिस तरह से रकीबुल हसन और रंजीत कोहली, तो रंजीत कोहली नहीं बोल, उनका धर्म इस्लाम धर्म से था वो रकीबुल हसन, मैं तो ये बोलूंगा कि मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा एक कार्यकर्ता के नाते कि आज लोगों को लगा है वाकई में कि न्याय होता है, 14-15 साल लगा, 11-12 साल लगा, लेकिन और मैं तो चाहूंगा कि ऐसी बेटी हर घर में पैदा ले जुल को। लेकिन वो आप पर कह रहे हैं जब ये घटना घटे तो, एक सेकंड सर अशोक जी, वो कह रहे हैं उस समय आपकी सरकार थी, आपने क्या किया लफ्ज जिहाद को लेकर, सत्ता तो आपकी भी रही ना वहां पर सर,
सुनील जी, मैं तो फिरोज जी से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस का अगर दम है, फिरोज जी का दम है, तो इस चैनल में खड़े होकर बोले कि देश में लव जिहाद चल रहा है, लेकिन मेरी पार्टी के एजेंडा है कि लव जिहाद क्या है, लव जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ है। राज्य के अंदर अभी कानून बनाने का काम किया है, नहीं इतिहास का मतलब क्या है, बहस भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको चालू की है, और पता ही नहीं इतिहास का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में, और रघुवर जी की सरकार, आपको सुनील जी ध्यान दिला दूं, रघुवर जी की सरकार में 2017 में कानून आया था धर्म संतान विधेयक बिल, इससे हिंदू लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को से पाला पुतला कर उसका आरक्षण का लाभ लिया जाता था, उसका शक्ति से कब्जा किया जाता था, उसको जबरन धर्मांतरण कराया जाता था, जबरन 2 माह तक खिलाया जाता था, ऐसे लोगों पर रघुवर जी ने एक कानून लाकर उसको रोकने का काम किया था। अगर अगर फिरोज जी को अगर कम है मन से वॉइस के मन से खड़े होकर बोले की लव आज कानून बनाने में आपका साथ है कि नहीं बोले, ठीक है फिरोज जी बोलिए, और जरा ये मुझे बताइए लव जिहाद करने वाले हैं कौन, हम लोग बात करेंगे, एक सेकंड अशोक जी मैं आपके पास आता हूँ, एक क्योंकि ये पहली तारा नहीं, पता नहीं कितनी तारा होंगी जो अभी दिखाई नहीं दे रही होंगी, ये पहली तारा जो निकल कर आई है, पता नहीं कितनों का ब्रेन वॉश किया गया होगा, कितनों का धर्म परिवर्तन कराया गया होगा, ये पहला नहीं है सर, और कहने से कुछ नहीं हो जाएगा कि हमारी सरकार ये बहुत कर रही है। फिरोज जी जरा ये बताइए आखिरकार ये है कौन, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, कौन इनको सह देता है, मैं बता रहा हूँ ये पहले तो अशोक बड़ाइक जी को मालूम ही नहीं कि लव जिहाद किसको बोला जाता है। अरे सर ठीक है, जिहाद एक अलग मैटर है जी, लव जिहाद उसको बोला जाता है जो धर्म छुपा के हिंदू लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाले फंसाते हैं। फिरोज जी अगर आपके दम है, आपकी पार्टी में दम है, तो खुलकर बोले लव जिहाद देश से चल रहा है, आप नहीं बोले चल रहा है, क्योंकि अगर मुसलमान बनकर शादी करता है मुस्लिम लड़की से, इसको क्या बोलिएगा आप बताइए, जानते हैं नहीं ये फिरोज जी, आज चर्चा हो रही है, कैसी बात आप कर रहे हैं फिरोज जी, हम बात कर रहे हैं लव जिहाद पर, आप उद्देश्य से पहुंच गए सर, छुपाइए मत बातों को प्लीज फिरोज जी, ऐसे नहीं, बात ये हो रही है लव जिहाद को लेकर, शूटर तारा को लेकर जो हाईकोर्ट ने डिसीजन सुनाया, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अपनी अपनी बातों गोलमोल घुमाने लगते हो, मुद्दे से भटक जाते हो, शूटर तारा को लेकर हाईकोर्ट ने जो मुद्दा जो डिसीजन दिया है उसको लेकर डिस्कशन कीजिए कि हिंदू वो शादी करते, मैं पूछ रहा हूं सत्ता में आप बैठे और ये कौन है लव जिहाद करता है, एक लाइन में जवाब दीजिए, आप बात नहीं बोलते हैं, उधर उधर की बात करते हैं फिरोज जी, क्या सरकार, एक सेकंड सर, कौन है ये लोग जो लोग बेवकूफ बनाते लड़कियों को, ब्रेन वॉश करते, कौन है और कौन सा संरक्षण देता है, सरकार कुछ करती है इनके लिए? सुनील जी मैं आपका आभारी हूँ, इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि लव और जिहाद एक अलग अलग, बट जिहाद का मतलब अलग हो गया, जिहाद बहुत बड़ा चीज है सर, आभारी आभारी से काम नहीं चलेगा, आपने क्या काम किया, और आपके आपकी सरकार में अगर ऐसे केस आए तो ऐसी कौन सी सख्त सजा दिलवाई आपने, कुछ किया, हवा हवाई बातें कर रहे हैं सर आप, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, धनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास आता हूँ, डॉक्टर धनोज मेरी आवाज मिल रही है सर आपको, डॉक्टर धनोज सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शूटर तारा को लेकर झारखंड में ये देखा गया 10 साल बाद ये केस आया है और सजा सुनाएगी 50,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा, साथ ही साथ और भी परिवार के मेंबरों को अलग अलग सजा सुनाई गई है। मैंने फिरोज खान से पूछा, अलायंस में उनकी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, हेमंत सोरेन के साथ, कि आखिरकार ये लव जिहाद करने वाले आखिर आते कहां हैं, क्योंकि ये तारा पहली तारा नहीं, पता नहीं कितनी तारा होंगी जो दिखाई नहीं दे रही होंगी, राजनीति उस पर हो जाती है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है सरकार, और पता नहीं कितनी लड़कियां भट्टी में झोंक दी जाती हैं। तारा साफ तौर पर कह रही है कि मेरे साथ जाति हुई गई, धर्म बदलने को लेकर कोशिश की गई, रंजीत नाम था शादी के समय में, बाद में शफीकुल निकला नाम, तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं, लगातार ऐसी बातें होती, उसके बाद भी सत्ता और सरकार सोती रहती है, कौन जिम्मेदार है सबके लिए? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह मुद्दा पूरे देश के लिए बहुत अच्छा, हिंदू मुसलमान को उनकी आंखें खोलने के लिए,
लेकिन दो लाइन, खुद का इल्जाम खुद के ही सिर आया, खुद का इल्जाम खुद के सिर पे आया, ये शुक्र है अदालत का कि इंसाफ आया। देखिए दोनों मैटर में प्रताड़ित लड़की होती है, चाहे वो किसी घर की बेटी हो, बीजेपी कांग्रेस फिक्स करके बैठा हुआ, बीजेपी कांग्रेस दोनों की फिक्सिंग है इस मुद्दे पर, क्योंकि झारखंड में देखिए सरकार किसकी है, झारखंड में सरकार जो है जेएमएम की है और उसको कांग्रेस सपोर्ट में है, सरकार में है, और देखा जा रहा है कि एक लड़की प्रताड़ित हुई 2015 में अदालत के कहने पर सीबीआई जांच बैठी और तब जाके इंसाफ, अभी क्रेडिट ले रहा, अगर इनके पुलिस इंसाफ देता, जब तारा सहदेव जब पुलिस के पास गई उसी टाइम उसको निराकरण करना चाहिए, जब उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जब उसको गर्म तेल डाला जा रहा था, जब उसको कुत्ते से कटवाया जा रहा था, जब उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जब उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, तो उससे वो पुलिस के शरण में गई, लेकिन पुलिस के शरण में गई सरकार जिसकी भी हो, अगर बीजेपी की कह रही है, फिरोज भाई कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थी तो विपक्ष में ये थे, और अगर अभी की बात कर रहे तो विपक्ष में बीजेपी थी, तो मेरे नजर से देखिए, एक पत्रकार के नजर से देखिए कि ये दोनों के दोनों दोषी है, बिल्कुल दोषी। एक उसमें एक लड़की प्रताड़ित, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी उसकी, ये तो शुक्र अदालत का कि अब ये फैसला आ गया, जिसमें फैसला सुनाया गया, अब जाके आंखें खुली इन दोनों की, अब ये दोनों मानने को तैयार है कि झारखंड में ये घटना हो रही है कि वहां की लड़की, चाहे वो आदिवासी लड़की हो, चाहे हिंदू लड़की हो, चाहे दलित लड़की हो, लेकिन हमेशा ये तो तारा की बात मैंने आपसे कर ली, लेकिन झारखंड में लफ्जियात की खबरें हमारे पास आती रहती है, ये पहली खबर नहीं है, तमाम खबरें आती रहती हैं सर। बिल्कुल सुनील जी, हम लोग कई बार मुद्दे पर बैठे हैं, कई बार मैं तो कहता हूँ बीजेपी कांग्रेस दोनों से कि इन दोनों की आंखें खुलनी चाहिए, जब लड़कियां प्रताड़ित हो रही है, मैंने कहा ना बेटी बेटी कोई धर्म नहीं होती है, भारत माँ की बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस पार्टी, भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, लेकिन वही एक इंडिया और एक भारत की बेटी को जब प्रताड़ित किया जाता है, जब उसको धर्म परिवर्तन किया जाता है, जब उसको मारा जाता है, कुत्ते से कटवाया जाता है, जब उसको फूंक चटवाया जाता है, जब उसको नग्न किया जाता है, तब ये दोनों के दोनों क्यों इनके मुंह में दही जम जाते हैं, क्यों नहीं ठोस कानून लाते हैं, क्यों नहीं दोनों इस मुद्दे पर बोलते हैं। मेरा तो ऐतराज है दोनों से, भाजपा से और कांग्रेस से, दोनों से, क्योंकि यह भारत की लड़कियों की बात है, चाहे वो लड़की हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे हिंदू झूठ बोलकर के शादी करता हो, अच्छा मुसलमान झूठ बोलकर निकाह करता हो, ऐसे लोगों की जगह कहाँ होती है, ऐसे लोगों की जगह होती जेल में, ऐसे ऐसे सामाजिक जो ढांचा वो बिगड़ता है, तो इन दोनों को अपना राजनीतिक को रखना चाहिए साइड में और दोनों को आगे बढ़ के आना चाहिए, और इस मुद्दे पर लड़की को बचाने के लिए, एक लड़की नहीं मैं सैकड़ों लड़की की बात करता हूँ, इसी तरह बहला फुसला के लड़की को ले जाके वहां विदेशों में भेज देते हैं, उनको चकला घर में धकेल देते हैं, कौन दोषी है? मेरी नजर में भाजपा कांग्रेस दोनों दोषी है, और इन दोनों को कम से कम इस मुद्दे पर एक होकर ठोस कानून बनाना चाहिए और लड़की का बचाव करना। जवाब दीजिए, दोषी हैं आप? मनोज धनोज जी का मैं बात का सहमत हूँ करता हूँ, क्योंकि आपको मैं बता रहा, जब ये घटना घटा उस समय बीजेपी का सरकार था और सीबीआई के जांच के बाद एफआईआर होता है, ये तो भाजपा के लोग एफआईआर करने नहीं चाहते सरकार थी तो आपने उस पर फिरोज भाई अदालत के कहने पे सीबीआई आप ही पक्ष में थे, फिरोज भाई थोड़ा सा आपके भी घर में लड़की होगा, मेरे भी घर में लड़की है, बात हो रही है धनोज भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, और इस पर ठोस कदम उठाना भी चाहिए। आप बात को सुनिए पहले मेरी जी, बिल्कुल हम लोगों ने बहुत चिल्लाया, बहुत शोर मचाया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने केस नहीं किया उस वक्त, जब हाई कोर्ट ने कहा उसके बाद जाकर सीबीआई का जांच होता है, केस होता है, ठीक है। आपने शोर मचाया फिरोज जी, आपने शोर मचाया, आपकी सरकार 3.5 साल से क्या किया? आप तो सरकार हमारी थी, पटापट गवाही कराया, सजा कराया उसको, पिछले 3.5 साल से आपकी सरकार है, लफ्जियात के इतने केस आए, इतनी बात हुई, क्या किया आपने? कोई न्याय दिलवाया किसी को? नहीं सुनील भाई, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत। अरे सर प्रोसेस होता है, सरकार होता आज अगर बीजेपी का सरकार झारखंड में होता सर, अगर एक को भी ऐसा पनिशमेंट देते ना जो पूरे प्रदेश के लिए नजीर बनता, वो आपने नहीं किया होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियां इस पर सियासत करती हैं और महिलाओं की
अस्मिता को लूटा जाता है और बेवकूफ बनाया जाता है। धनोज जी जल्दी से जवाब। बिल्कुल फिरोज भाई आपकी सरकार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बोलिए अब के बाद ऐसी घटना नहीं घटेगी हमारी सरकार में, एक भी बहू बेटी असुरक्षित नहीं होगी, ना दलित की बेटी, ना हिंदू की बेटी, ना मुस्लिम की बेटी। आप कर सकते नहीं कर सकते ना, राजनीति करना काम है भाजपा का, काम है सिर्फ भाजपा, कांग्रेस राजनीति कर सकती है, बेटी असुरक्षित है। आज दहशत में बेटी है, मैं तो कह रहा हूँ कि शिबू सोरेन को उससे घर जाना चाहिए, आप उसके साथ जाइए, उसको मुआवजा दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ अभी वो दहशत में है, अभी भी दहशत में है। झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आप जहाँ भी देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, कर्नाटक देखिए, ठीक है, बेटियां सुरक्षित है। अशोक जी इस मुद्दे पर जी, अशोक जी मेरी आवाज मिली सर जी? तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, एकदम स्पष्ट आवाज आ रही है। मैं तो फिरोज जी को स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप जो एकदम चिल्ला चिल्ला के जो अपने सरकार का क्रेडिट ले रहे हैं, तो थोड़ा इनकी इनकी थोड़ा हम इनको सुधार दे, ये कोर्ट का निर्णय है। और आपको याद होगा, मैं मेरे दोनों साथी यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट है, मेरे साथी है, चारा सादे जी को न्याय नहीं मिला था। राजनाथ सिंह जी जब आए थे एयरपोर्ट में, तो तारा सादे में हमारी बहन तारा गई थी मिलने के लिए, और राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी हम लोग जरूर इस पर सीबीआई जांच के लिए हम लोग करेंगे। आज भी वो पत्रन मेरे पास, अभी मैं सर्च कर रहा था वो मिल गया है। तो फिरोज जी थोड़ा अपने पार्टी के भी कोई नेता के बारे में बताए कि कभी सीबीआई, आपने तो अच्छे जो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट था कि कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है। और अगर यही स्थिति रहता, हर चीज अगर कोर्ट को निर्णय लेना है, तो फिर फिरोज जी क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? ये तो कोर्ट ने, ये सीबीआई कोर्ट ने सरकार की अशोक पढ़ाई की आय कोर्ट ने सुनाया है, सबने तारा से मामला आया, तो सबसे ने फायर किया आप लोग ने, थोड़ा इनको चुप कराइए, आप लोग फायर करते हैं। एक सेकंड फिरोज जी, एक सेकंड फिरोज जी, मैं आपके पास आता हूँ सर। आप सुनील जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मुद्दा उठाती है कि झारखंड राज्य जो आदिवासी बहुल राज्य है, ये सॉफ्ट टारगेट है धर्मांतरण करने वालों के लिए, और जब हम लोग बात करते हैं तो ये लोग कांग्रेसी बोलते हैं, विपक्ष के लोग INDIA के लोग बोलते हैं कि हम लोग देश तोड़ो अभियान लगे। अरे देश तोड़ो नहीं, हम लोग जो दुर्गा सरस्वती काली जो इस हम जो सनातन संस्कृति में हम लोग अपनी बहनों को माताओं को देवी का दर्जा दिया गया है, जिसको हम लोग पूजते हैं, आदिवासी समाज में फूलो जामा हो, सिंधी दाई हो, जैसे जैसे महापुरुष महिला समाज से आते हैं, ऐसे लोग को हम लोग को दर्जा दिया गया है। जब हम लोग उसके संरक्षण की बात करते हैं आपको बता दूं, आप झारखंड में समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, अशोक जी आपका, फिरोज जी आपका और डॉक्टर धनोज जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल उठेंगे लफ्ज जिहाद को लेकर, हालांकि तारा को जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने ये जो उसके दोषी थे उनको सजा सुनाई है, लेकिन 500 तारा होंगी, कितनी ताराएं होंगी? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो भी लफ्ज जिहाद करे, लड़कियों का ब्रेन वॉश करे, उनका इस्तेमाल करे, उस पर ऐसी सजा हो जो हम सब के लिए एक नजीर बने, और जो ऐसा करे भविष्य में 10 बार सोचे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।